खबर इस वक्त भोपाल से, जहां जिला कोर्ट पहुंचे हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। व्यापम मामले में अपने बयान दर्ज कराने दिग्विजय सिंह कोर्ट पहुंचे हैं। कमलनाथ, विवेक तन्खा, कपिल सिब्बल उनके साथ मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह ने कोर्ट में 27,000 पेज का परिवाद दाखिल किया है, जिसको लेकर अब वो बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। भोपाल से खबर, जहां जिला कोर्ट में पहुंचे हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। व्यापम मामले में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। 27,000 पेज का परिवाद दाखिल किया है दिग्विजय सिंह ने, जानकारी देंगे INA24 संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, जानना चाहेंगे, यहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं जिला कोर्ट और कहा जा रहा है व्यापम मामले में 27,000 पेज का जो परिवाद दाखिल किया था उसको लेकर वो अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जो व्यापम मामला था उनका आरोप है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती समेत 18 लोगों के खिलाफ उन्होंने परिवाद दाखिल किया है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि जो एक्सेल सीट उन्होंने सौंपी थी एज अ सबूत के तौर कोर्ट को सौंपी थी, उसको में छेड़छाड़ की गई है सीबीआई को देने से पहले, जिसके चलते सभी किसी के खिलाफ भी आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी उनके साथ हैं, विवेक तन्खा भी उनके साथ हैं, पूर्व के कपिल सिब्बल, ये सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं ये जिला पहुंचे और अभी इनके बयान दर्ज हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह का साफ कहना है कि मेरे द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे व्यापम मामले में, जिसमें पूरे सबूत थे कि किस तरह से धांधली की गई है, किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच समेत जो 18 लोग हैं उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, और छेड़छाड़ करने के बाद जो एक्सेल शीट है उसमें किस तरह से रूपांतरण किया गया है, किस तरह से उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं, जिसके चलते जो उस पर जो आरोपी थे वो उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसी मामले को लेकर बयान दर्ज करा रहे हैं। लेकिन वैभव, देखा जाए तो उस मामले में कई सारे साक्ष्य कांग्रेस द्वारा पेश किए गए और हार्ड डिस्क जैसी चीज भी सामने रखी गई थी, लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी नहीं निकल के आया, तो क्या अब इनके बयान दर्ज कराने से कुछ हो पाएगा? हाँ, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार फिर वो सबूत दे रहे हैं। 27,000 पेज का परिवाद दाखिल किया है, साथ ही 56 पेज के जो बयान दर्ज होंगे उनका कहना है कि मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉपी भी है, मेरे द्वारा जो ओरिजिनल कॉपी सबूत के तौर पर उपलब्ध कराई गई थी, आप उनको दोनों का वेरिफिकेशन कर लीजिए कि जो मेरे द्वारा कॉपी उपलब्ध कराई थी उसमें क्या किस तरह के आंकड़े लिखाए गए थे, और जो एक्सेल शीट आपको जो मेरा दी थी उसमें किस तरह से छेड़छाड़ की गई, साथ ही जो पेनड्राइव दी थी उसमें किस तरह से छेड़छाड़ की, इसके चलते चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो दूसरे मंत्री हो, और चाहे वो इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारी हो, उन जिनके पर भी आरोप सिद्ध होना था वो आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो सीबीआई को सबूत उपलब्ध कराए थे क्राइम ब्रांच के द्वारा पहले ही छेड़छाड़ कर दी थी, जिसके चलते जो सीबीआई भी इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का आरोप सिद्ध नहीं। माना जा सकता है जो तथ्य अब तक ओरिजिनल कॉपीज के माध्यम से दिग्विजय सिंह साहब के पास है वो अब सार्वजनिक करेंगे। वैभव, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।